गांव में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई तो बिल्कुल चौपट है। तो यह जो सवाल हमारे सामने है, आज आवश्यकता इस बात की थी कि इन सवालों पर बैठकर चर्चा होती, बिहार की सरकार, भारत की सरकार इन विषयों पर चर्चा करके इसका निदान निकालने का काम लोग करते, इसका निदान लोग नहीं निकाल रहे हैं और नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बात जनता के सामने ला दो कि जनता भूल जाए, और कोई मतलब नहीं। एनपीआर एनआरसी सीए का लाने का और कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो मौलिक सवाल है वहां से आपका ध्यान अलग चला जाए, और इसीलिए इस तरह की स्थिति बनी है। इसीलिए यह जो सीएए एनआरसी एनपीआर है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते या जो सीएए एनआरसी एनपीआर है, बहुत सचेत और सजग रहने की जरूरत है। यह विषय ऐसा विषय है जिस विषय पर अगर अभी हम गंभीर नहीं हुए तो देश के सामने बहुत ही बुरा दिन आ जाएगा, और देश के सामने जो बुरा दिन आएगा, बीजेपी के लोग जेडीयू के लोग तो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, समाज में नफरत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने आया कि जो स्थिति लोग लाना चाहते हैं, अगर वह स्थिति आ गई तो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, तमाम गरीब लोग चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, दलित मान धर्म पिछड़ा के पिछड़ा, सब लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान।